हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज आपके लिए मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप सलूशिया के प्लांट को कैसे अपने घर पे ग्रो कर सकते हैं। अभी जो हमारे पास सीज़न चल रहा है, समर सीज़न, इसके लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि इसको ज़्यादा टेम्परेचर पसंद है और डायरेक्ट सनलाइट भी ये अच्छे से सर्वाइव कर लेता है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर टेम्परेचर नहीं है, अबाउट 40+ है, और ये बहुत ही ईजिली सर्वाइव कर रहा है यहाँ पे। इसको सिर्फ वाटरिंग आपको एवरीडे करनी है, और उसमें आपको अच्छे से वाटरिंग करनी है, जिसके साथ इसकी जो सॉइल है पूरी तरह मॉइस्ट होनी चाहिए, और उसके साथ आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होगा। इसको मैं बात करूँ, अगर मैंने कैसे ग्रो किया था, मैंने इसको ग्रो किया था फ्रॉम सीड्स मैंने सीड्स एंड पॉट्स की वेबसाइट से लिए थे, एज़ यूजल मैं आपको बताता हूँ। और सीड्स को ग्रो करने के लिए कोई खास हमें चीज़ें नहीं करनी पड़ती, सिर्फ आप नॉर्मल गार्डन सॉइल प्लस 50% कोक भी ले सकते हैं, उसका मिक्सचर बना के उसमें आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये आप सभी जो मेरे प्लांट्स देख सकते हैं, सभी पे जो ये वाली सेंट्रल बर्ड है ये एक ही आती है मोस्टली, और ये दोबारा से जब ये एक बार खिल जाती है वो इंक्रीज़ होता रहता है इसका साइज़। ये बहुत ही ज़्यादा सीड्स भी प्रोड्यूस करता है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर काफ़ी सारे इसके जो सीड्स हैं। अभी यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे सभी सीड्स आएंगे ब्लैक कलर के, प्योर ब्लैक कलर के, जो कि यही पॉट में डिस्पर्स होकर यहाँ पे ही सभी ग्रो हो जाएंगे, और बहुत ही एक अच्छा लुक देते हैं जब ये इकट्ठे ग्रो करते हैं। अगर मैं कलर्स की बात करूँ, इसमें 3 to 4 कलर्स हाइब्रिड वैरायटी में आते हैं। वैसे इसकी एक ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी भी आती है जो कि सिर्फ रेड कलर ही देती है, उसका जो साइज़ है बहुत ज़्यादा लेंथ में भी स्टेम उसकी बहुत ज़्यादा लंबी होती है, और उसका साइज़ है फ्लावर का वो भी ज़्यादा बड़ा होता है। सो आप वो भी लेकर आ सकते हैं अगर आप उगाना चाहें। और इसमें सभी में वीड्स बहुत ज़्यादा उगे हुए हैं, क्योंकि मैंने अभी इनकी सभी उखाड़ने हैं। सो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है, क्योंकि ये एक छोटे बहुत ही कम हाइट वाले प्लांट्स होते हैं, अगर इसमें कोई भी ग्रास लगी होगी तो सभी जो एनर्जी होगी इसकी फर्टिलाइज़र की ये सभी कंज्यूम कर लेंगे। सो ये अपरूट करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप सीडलिंग से इसको उगाओगे तो आपको मैं ये चीज़ ज़रूर रिकमेंड करूँगा, जब तक इनको फ्लावरिंग नहीं आती, जैसे ये फ्लावर का साइज़ नहीं आता, तो आप इसमें ज़रूर गुडाई करते रहिए, क्योंकि उसके साथ क्या होता है, इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा डेवलप ईजिली करती हैं, और उसके साथ इसका साइज़ है वो भी इंक्रीज़ होता है। मैं आपको एक और प्लांट दिखाता हूँ, ये वाला, इसमें बहुत ही ज़्यादा बड़े लीव्स भी हैं, और इसकी जो ब्लूम है वो भी बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़ी है, और ये भी आप अपने घर पे ग्रो कर सकते हैं। ये सेम ही वैरायटी है, बट इसका जो साइज़ है ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेरेबल टू अदर प्लांट्स। और वो भी आप देख सकते हैं जो येलो कलर का सलूशिया है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी जो फ्लावर इसका आया है, अभी ये और इंक्रीज़ होगा, उसके साथ जो इसके सीड्स हैं वो भी साथ में डिस्पर्स होते रहते हैं जैसे मैंने आपको बताया, और इसके जो लिटल जो सीडलिंग्स होती हैं वो भी ज़्यादा जर्मिनेट होंगी, और वो होती हैं जाकर मानसून सीज़न में, और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा प्लांट्स मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ इनको स्पेसिफिकली, हम एक तरह का समर सीजनल प्लांट नहीं बोल सकते, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है विंटर सीजन में भी एज़ यूजुअल होती है, और इससे भी ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग करता है विंटर सीज़न में भी, और उसमें पानी की रिक्वायरमेंट भी इसकी बहुत ज़्यादा कम होती है। अगर मैं बात करूं इसके फर्टिलाइज़र की, जो आपको देना चाहिए, इसको सिर्फ आप DAP के ग्रैनुअल्स दें। अगर आप 15 डेज़ के बाद NPK का स्प्रे करोगे, जो बैलेंस फर्टिलाइज़र होता है 20-20-20, वो भी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है इसकी ग्रोथ के लिए। अभी इसकी जो ग्रोथ है अभी और होगी, इसके लिए इसको फर्टिलाइज़र अभी भी देना पड़ेगा, जब तक इसका जो फ्लावर है एक्चुअल ये साइज़ नहीं होता, जब तक आपको DAP ज़रूर इसको देनी है, और NPK का जो स्प्रे है वो भी आपको करना है। अदरवाइज़ अगर आप ऑर्गेनिक वे में चलना चाहते हो, तो आप आफ्टर अ मंथ एक तरह का काउडंग कंपोस्ट ले सकते हैं, जो कि स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र है, जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और इसको नाइट्रोजन कंटेंट प्रोवाइड करेगा, और दूसरे जो मेजर हमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी प्रोवाइड करेगा, जिसके साथ आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। इसको आप अभी भी सीड से ग्रो कर सकते हैं, और अगर आप सीडलिंग्स लेकर आना चाहते हैं वो भी लेकर आ सकते हैं, जो इसका प्राइस होता है वहाँ नर्सरी में ये डिपेंड करता है, नियर अबाउट 20-30 रुपीज़ में आपको बहुत ही हेल्दी प्लांट मिल जाएगा। ये पूरी ड्वार्फ वैरायटी है, और इसमें आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो इसमें इंसेक्ट्स लगते हैं वो मोस्टली कैटरपिलर्स ही लगते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी कैटरपिलर्स ने यहाँ से इसके लीव्स खा लिए थे, और इसकी बैक साइड लीव्स के लगते हैं, और इसके लिए आप कोई भी नॉर्मल इंसेक्टिसाइड स्प्रे करोगे तो आपके जो प्लांट में कैटरपिलर्स हैं वो सभी ख़त्म हो जाएंगे, और आपका प्लांट दोबारा से हेल्दी हो जाएगा। एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इसको ओवर वाटरिंग करेंगे तो इसकी स्टेम यहाँ से रॉट होने लग जाएगी, और जिसके साथ आपका जो प्लांट है पूरा डेड हो जाएगा। सो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, इसको वाटर लिमिटेड क्वान्टिटी में देना है, बट इसकी जो सॉइल है वो भी पूरी मॉइस्ट होनी चाहिए।
जो उसकी पॉट रिक्वायरमेंट होती है वो बेसिकली नियर अबाउट 6 to 7 inches में ये बहुत ईजिली अच्छे से परफॉर्म करता है। आप इसको हैंगिंग बास्केट्स में भी बहुत ही ईजिली लगा सकते हैं। सो आपको मैं रिकमेंड करूँगा ये प्लांट आप अपने घर पे लगाइए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड दिस प्लांट और एनी प्लांट आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस वॉज माई वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मेरी वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड सलूशिया प्लांट को अपने घर पर ज़रूर आप ग्रो करें।